फाइनल ये जलिया जी मगज, जी हाँ, जिसकी वजह से फोन बंद होने को आ रहा है। ओए होए भाई, ये लग रहा है भाई बटर। सिर्फ अब दो मिनट और, गर्मी में सर्दी का एहसास स्ट्रॉन्ग है ना, एकदम बढ़िया। इतनी तगड़ी खुशबू आ रही है ना भाई, मतलब मज़ा आ जाएगा मन्नी सीरियसली। अगर और इनका एक फेमस आइटम भी है जो फॉइल पेपर में पड़ा है, उसका नाम पता है क्या मन्नी? चरसी चिकन। हाय हाय हाय, नहाली भाई। तो ये घर पे फैट गए ना मन्नी, एक चम्मच हालत ख़राब हो जाती है। क्या बात है, तो भैया जी सेक्टर 56 हुडा मार्केट गुड़गांव में आ चुके हैं, और गुड़गांव में इस मार्केट में हमारा पहला शूट है, और यहाँ पे बनाने वाले हैं आपका फेवरेट शो मोहल्ला आपका, कि आप यहाँ पर आओ। ऐसे तीन चार चीज़ें या पांच चीज़ें ऐसी चीज़ें लेंगे, जितने भी लेंगे, जो मतलब कि मिस नहीं करनी है, वो वाली चीज़ें लेंगे सिर्फ। तो चलते हैं, दिखाते हैं आपको यहाँ की मार्केट के नज़ारे और यहाँ के फूड। चलिए, तो भैया जी पहले स्टॉप पर आ चुका हूँ मैं, और सबसे पहले खाने वाले हैं जी बिहार का स्पेशल लिट्टी और मटन। चलिए बनवाते हैं लिट्टी मटन। तो भाई साहब कहाँ पर आए जी? द एम्परेट चंपारण मीट, पूरी की पूरी 56 मार्केट के अंदर, 56 हुडा मार्केट के अंदर। ये एक ऐसी प्लेस है जो ऑथेंटिक चंपारण मीट देती है, और आप देख सकते हो भाई मटकी के अंदर बनता है। भाई कितना कितना घंटा लगता है? ढाई घंटा। ये सर टोटल बनाने में कम से कम 4 घंटे लगते हैं। 4 घंटे? हाँ, 4 घंटे प्रोसेस रहता है। अच्छा, मतलब मैरिनेशन से लेके एंड तक। हाँ जी सर। तो कितने बजे शुरू करते हो बनाना? ये सर हम लोग 11 बजे से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये 11 बजे से हमारा स्टार्ट होता है। ओके। और ये हमारा 1 बजे तक तैयार हो जाता है। अच्छा, तो कितना टाइमिंग की क्या है दुकान के? दुकान की टाइमिंग है सर 11 से 11। यस सर। तो देख रहे मन्नी क्या बढ़िया लग रहा है एकदम मटन। थोड़ा एक पीस निकाल के दिखाना ऊपर, एकदम गर्म है कोयले में। अब भाई फ़ोन बंद होने को आ रहा है। ओए होए भाई मज़ेदार। इसी के ऊपर, कोयले के ऊपर सेकी जाती है, जैसे बिहार होता ना, बिहार में तो कोइंठा के ऊपर, कोइंठा के ऊपर सेकते हैं, मतलब जो काव डंक होता ना उसके ऊपर सेकते हैं, बट शहर के अंदर थोड़ा मुश्किल है। तो बट ये यहाँ पे कोयले पे सेकते हैं, और आप देख सकते हो कि लिट्टी देसी के अंदर डुबोएंगे, उसके बाद साथ में मटन डालेंगे, और ऐसा टेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये लग रही है भाई हमारी प्लेट मटन की। तो ये लग रही है भाई साहब हमारी मटन की प्लेट। ओहो, ग्रेवी देख लो भाई, ये लहसुन है पूरा का पूरा, साबुत लहसुन देख रहा है भाई, इतना तगड़ा फ्लेवर होता है ना इसके अंदर, मज़ा आ जाएगा आपको। और इतना गर्म है भैया से उठाया भी नहीं जा रहा यार। अच्छा, ये लहसुन का पीस है, मैंने सोचा ये मटन है। नहीं नहीं, लहसुन का पीस है भाई, बहुत बढ़िया। और इसी के अंदर पकता है पूरा, बिहारी स्टाइल बनाते हैं ना एक्चुअली, तो उसके अंदर ऐसे ही खड़े मसाले डाल के बनाते हैं, पूरा लहसुन का पूरा पीस आता है। ये गई जी लिट्टी देसी घी के अंदर। हाय हाय हाय, नहाली भाई। तो अब इसको निकालेंगे चम्मच से और खाते हैं इसको भाई अपने बढ़िया से मटन चंपारण मीट के साथ। और जो मज़ा आने वाला ना भाई, वो रोटी लच्छा पराठा नान के साथ नहीं है, जो लिट्टी के साथ है भाई। तो भाई साहब ये देख लो भाई, लिट्टी आ गई है हमारी, और देसी घी के अंदर डूबी हुई लिट्टी, और इसके अंदर सत्तू की स्टफिंग कर रखी है। ये देखो, देख रहे हो सत्तू की स्टफिंग है। थोड़ा डुबोएंगे बढ़िया से, मज़ेदार, और पीस लेते हैं नली का। ये देख, ये है भाई असली बिहारी फूड जो आपको मिल रहा है सेक्टर 56 हुडा मार्केट में। चेयर्स। क्या ज़बरदस्त फ्लेवर है, टू गुड भाई, एक बार आओ इसको करो ट्राई। ये है हमारी पहली जगह मस्ट ट्राई इन सेक्टर 56 हुडा मार्केट गुड़गांव। तो भाई सेकंड स्टॉप पूरा हो चुका है, एग्जीक्यूटिव किचन, वो रहा एग्जीक्यूटिव किचन, और वहाँ पे खाया हमने एक ऐसी चीज़ जिसके लिए मुझे कराना पड़ा ये पैक। चाहता तो ये छोड़ सकता था वहाँ पे, लेकिन नहीं, कल सुबह नाश्ता होगा तो इसी से होगा, ये बाकी गारंटी है। आप सिर्फ जाके देखो कि मैंने खाया क्या। तो ये देखो भाई साहब, ये बन रहा है जी हमारा फ्रेश तवा चिकन। जी हाँ, क्या बात है। और भाई एग्जीक्यूटिव किचन, दुकान का नाम है एग्जीक्यूटिव किचन, जो कि आपको सेक्टर 56 में मिलेगी, वही के दिखा रहे हैं आपको ऐसे आइटम जो मस्ट ट्राई है, और ये उसमें से है। ये भैया जी बनाते हैं डेली, खुद बनाते हैं। ये देखो देगी मिर्च डाल दी है, देगी मिर्च स्पेशली फॉर कलर, कोई एक्स्ट्रा कलर नहीं डालते हैं, तो देगी मिर्च से कलर आता है, बहुत बढ़िया। और ग्रेवी देख रहे हैं बन्नी, साथ वाले तवे पे देख, वो बना पड़ा और ख़त्म हो चुका। इनका एक है
कॉकटेल चिकन, वो भी बड़ा फेमस है, और इनका ततावा चिकन। और ये देखो ये कौन सा आइटम है भैया, मटन का? ये मटन करी है, ये बैच कुकिंग होती है, हमारा खत्म हो गया मटन। अच्छा, दोबारा बन जाएगा भाई साहब, फ्रेश माल आता है एकदम बढ़िया। इतनी तगड़ी खुशबू आ रही है ना भाई, मतलब मजा आ जाएगा। मैंने सीरियसली अगर तो मटन खाता होता ना आज तो उठाए लेता दो प्लेट। ये दोनों हस्बैंड वाइफ है जो संभालते हैं और डेली का काम है। भैया टाइमिंग क्या आपके? भैया 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक। और 7 डेज ओपन है? 7 डेज ओपन है और 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक। स्विगी जोमेटो भी है? जोमेटो भी है, जोमेटो पे है। कितने किलोमीटर है? एग्जीक्यूटिव किचन के नाम से है। अब एक काम करते हैं, इनका लेते हैं तवा चिकन, साथ में लेते हैं एक रुमाली या एक रोटी और करते हैं टेस्ट। जी फाइनल ये जल गया जी मगज, जी हाँ, जिसकी वजह से गाड़ी ये ग्रेवी जो है थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी, थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर, काजू और मगज की पेस्ट है ये। और ये ले मन्नी, ये भी आ गया हमारा फूड, आ चुका है हमारा। अब करते हैं इसको ट्राई, इनका तवा चिकन देखने में देख एकदम बढ़िया। देख भाई तवे के पास खड़े हो गए, एकदम मेल्ट। चेयर्स भाभी, टिश्यू लगाओ बेटा नीचे, बस 2 मिनट में दे मैम को, आप तवा चिकन पैक कर दो। पानी दे, पानी। ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त है। या इनका कॉकटेल चिकन भाई, तवा चिकन तो वाकई बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। कॉकटेल चिकन स्पाइसी है? ग्रीन चिली से डलती है, फ्रेश चिली नहीं। अरे भाई ग्रीन चिली तो मैं खाता भी नहीं, थोड़ा देसी स्टाइल वाला है, टमाटर वगैरह कुछ नहीं। भाई वाकई में आइटम इतने बढ़िया हैं और आपके सामने इतने लार्ज क्वांटिटी में बन रहा है और देख रहे हो कितनी जल्दी जल्दी जा रहा है, बोले डिमांड इतनी ज़्यादा है कि मज़ा आ रहेगा खा के। सीरियसली कह रहा हूँ, कभी भी यहाँ पे आना, इससे ट्राई करना। लेट मी ट्राई कॉकटेल चिकन, कोई टमाटर का फ्लेवर नहीं है, अपने स्पाइसेस का फ्लेवर है और हरी मिर्च का। कभी यहाँ पे आए तो एग्जीक्यूटिव किचन, नहीं तो जोमेटो है, इन्जॉय करो, नहीं तो यहाँ पे आके खाने में जो मज़ा है वो पैक कराने में नहीं है। तो मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट स्टॉप पे। भाई साहब कुछ फूडी का ग्रुप है और बड़े बढ़िया तरीके से देख रहे हैं, कैसे हंस रहे हैं, वेरी नाइस, क्या बात है। तो कैसा लगा फूड, कैसा लगा आपको? अरे लाजवाब, लाजवाब। बोला ऐसी कौन सी चीज़ लगी जो आप लोगों को बोलोगे कि यहाँ पे आके ये ट्राई ज़रूर करना? चिकन सीख मसाला, चिकन सीख मसाला। मैं देख रहा था आपका बन रहा था, वो देखने में बहुत बढ़िया लग रहा था वाकई में, बट सीरियसली इट्स अमेजिंग फूड। फिश नहीं, फिश भी अच्छी, फिश फ्राई, हां फिश फ्राई, वाओ वेरी नाइस। ये चिकन, ये तवा चिकन, ये भी हमने ट्राई किया, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। आप भी ट्राई करो, मैं अभी जस्ट खा के आया हूं। मैंने देखा था वही डेरे लगा लिए थे। परफेक्ट। तो भाई चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट जगह पे और पूछते हैं किसी और से कि यहाँ पे और क्या बेटर मिलता है। तो भैया तीसरी जगह पे आ चुके हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कबाब, जी हाँ। और यहाँ ट्राई करने वाले हैं, क्या पता है, यहाँ ट्राई करने वाले हैं मटन सीख कबाब, क्योंकि अभी अभी दिल्ली फूडीज के सुमित जी मिले थे और उन्होंने बताया कि यहाँ के कबाब बहुत बढ़िया है, तो हम आ गए कबाब खाने। तो ये देखो भाई साहब, ये बन रहा है हमारा मटन सीख कबाब। दुकान का नाम ही पता क्या मन्नी, मिनिस्ट्री ऑफ कबाब, तो मतलब कि कबाब के राजा है यहाँ पे, सेक्टर 56 हुडा मार्केट। जैसे आप देख रहे हो कि मोहल्ला आपका का हमारा एपिसोड, जिसके अंदर हम आपको दिखा रहे हैं 3 से 4 से 5 ऐसी चीज़ें जो मस्ट ट्राई है जब भी आप यहाँ पर इस मार्केट में आओ। और इनका एक फेमस आइटम भी है जो फॉइल पेपर में पड़ा है, उसका नाम पता क्या मन्नी, चरसी चिकन। अब वो चरसी चिकन क्यों है मुझे नहीं पता, यहाँ आके ट्राई करना, लेकिन मैं आज ट्राई करने वाला हूँ सीख कबाब मटन वाले। ये देख रहे भाई, ये चरसी चिकन है, इनका चरसी टिक्का है, ये फ्रॉम अफगानिस्तान, फ्रॉम अफगानिस्तान पाकिस्तान का है। अच्छा, फुल स्पाइसी होता है, ओए ओए, डिफरेंट है। तो इसको आप दोबारा से भट्टी पर डालोगे? ये दोबारा मैकिंग होगा स्टीम। अच्छा, मैकिंग कोयला ही स्टीम, बहुत बढ़िया। अभी देखो ये पैक कर दिया और ये दोबारा से जाएगा कोयले के ऊपर कम से कम 5-7 मिनट के लिए। ये लग रहा है भाई बटर, सर अब 2 मिनट और, हाँ भैया 2 मिनट और, 1 मिनट बटर लगा के फाइनल कर दिया भैया ने। ये लो भाई एकदम सॉफ्ट मटन कबाब, ये मसाले भी हमारे अपने। अच्छा जी, आज सुंदर बना दिया भैया ने प्लेट पूरी, मज़ेदार। ये देख भाई मज़ेदार कबाब, एकदम जूसी है, मज़ेदार। और लास्ट में 1 मिनट पहले ही इन्होंने बटर से लगाया इसको लपटपा,
और ये ठीक है, वेरी सॉफ्ट, तो काफ़ी जूसी होने की वजह ना फ्लेवर बहुत अच्छा है, एकदम फ्रेश बनाए हैं तो इसलिए बहुत अच्छा है टेस्ट जी सर। सुबह 8 बजे से आपका चैनल शुरू होता है घर के 5 बजे 1 बजे तक वो चैनल देंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक है, थोड़ा आग गंदे भाई, वाकई में मिनिस्ट्री ऑफ कबाब्स है। आप कभी यहाँ पे आए ना, इनके पास चिकन मलाई टिक्का, तंदूरी चिकन, इनसे हट के कुछ अलग है, और यहाँ पे आके ट्राई करना बॉस बनता है। तो कभी भी आप सेक्टर 56 की मार्केट में आए ना, वन ऑफ द बेस्ट कबाब इन गुड़गांव। और हमारा लास्ट स्टॉप हैंड बिटन कॉफ़ी एंड चाय। जी हाँ भाई, यहाँ पर मिलती है हैंड बिटन कॉफ़ी, मनी हाथ से फैटते फैटते थक जाता ना घर पर, एक बार चल के दे मुझे एक बार क्वांटिटी कितनी है हाथ से फैटी हुई कॉफ़ी की। ये शेक्स है, हाँ जी चॉकलेट, ये है भाई चॉकलेट शेक, लेकिन हम यहाँ पर आए हैं इसके लिए हैंड बिटन कॉफ़ी। जी हाँ, और यहाँ पे मिलेगी भाई कोल्ड कॉफ़ी, इतनी बढ़िया मज़ेदार, तो ये बनवाते हैं भैया, एक स्ट्रॉन्ग बना देना, एक स्ट्रॉन्ग कोल्ड कॉफ़ी। मतलब ये देख रहे, ये घर पे फेंटते फेंटते थक जाते, इसको भर दो, भरेगा भैया, ये घर पर फेंट के ना मनी एक चम्मच हालत ख़राब हो जाती थी। और ये देख ले, ये है भाई हैंड बिटन कॉफ़ी, जो आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ, हाँ कौन बिटेगा, बिटन कैफ़े, हाँ जी बिटन कैफ़े, सेक्टर 56 हुडा मार्केट गुड़गांव। जी हाँ, स्ट्रॉन्ग बन रही है भैया, बना रहे हैं बढ़िया से स्ट्रॉन्ग, एक ही बनाना, मन्नी पिएगा और बताएगा आपको कि कैसी कॉफ़ी, क्योंकि मन्नी का कॉफ़ी पसंद है। और ये हमारे भैया जी है जिनका स्टॉल है। ये क्या टाइमिंग क्या होते हैं आगे, एक बजे खुलता है, एक बजे अच्छा, फूड मेन्यू है आगे, अच्छा फूड वगैरह सब कुछ है, इटालियन मैक्सिकन है थोड़ा, परफेक्ट। यहाँ पे 1 बजे, हाँ यहाँ पर ये हो रही है भाई टेस्टिंग, ठीक है भैया, और एकदम परफेक्ट है भैया। इसका क्या प्राइस होता है कॉफ़ी सर, 70 नॉर्मल है, स्ट्रॉन्ग जो है 80 है, 80 रुपये का है ये, अगर आपको स्ट्रॉन्ग चाहिए, नॉर्मल चाहिए तो 70 रुपये है। भाई मन्नी कर रहा है अब कोल्ड कॉफ़ी टेस्ट, ओए गर्मी में सर्दी का एहसास, स्ट्रॉन्ग है ना भाई, काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, मज़ेदार थी। आप कभी भी यहाँ पे आओ ना सेक्टर 56, तो ये भैया जो है ये कॉफ़ी के राजा हैं यहाँ पे सीरियसली। और ये देख लो भीड़ देख लो, सब के सब खड़े हैं, कोई कोल्ड कॉफ़ी ले रहा है तो कोई शेक ले रहा है, कोई मतलब खाने पीने का भी आइटम है, सब कुछ है भाई। अब बस मन कर रहा है कि बस कुछ गाड़ी चला के घर छोड़ दे, क्योंकि इतना खाली है ना, और फूड वेस्ट नहीं किया, पैक भी करा लिया। तो ये था हमारा मोहल्ला आपका एपिसोड, और अगर आपको पसंद आए नीचे कमेंट करना, हम इसी सीरीज़ को फिर आगे लेके जाएंगे पहले की तरह, और फिर बाकी सब चीज़ें बंद कर देंगे और इसी को आगे लेके जाएंगे। मिलते हैं आपको जल्दी से एक नई वीडियो के साथ, बने रहो, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, यार 2 मिलियन होने वाले हैं यार, क्या कर रहे हो भाई, सब्सक्राइब तो कर सकते हो ना, सब्सक्राइब करो, मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ।